हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे नोट नंबर 3 की। इससे पहली वीडियो में हम नोट नंबर 1 और 2 डिस्कस कर चुके थे। नोट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी क्लोज इंटरवल के अंदर, किसी क्लोज सर्किल के अंदर होगी। इफ एफ जेड इज ए फंक्शन लाई इन क्लोज कर्व, क्लोज सर्किल हो सकता है, कर्व हो सकता है, देन यूज बायनोमियल एक्सपेंशन। तब हम एक बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे। बायनोमियल एक्सपेंशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी हमने बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज किया है। तो जो हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन है, वो दो बायनोमियल एक्सपेंशन हम पहले पढ़ चुके हैं। एक 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 के लिए होता है, जब यहां भी माइनस होता है, यहां भी माइनस होता है, तो सारे साइन प्लस के होते हैं। तो सीरीज कुछ ऐसे लिखी जाती है कि 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स क्यूब प्लस अप टू एंड सो ऑन। और अगर यहां प्लस और यहां माइनस होता है तो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस की एक सीरीज चलती है। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस अप टू एंड सो ऑन हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम चाहें तो समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कि हम इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि समीशन एन वेरी इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी और एक्स की पावर एन लिख दें। और इसमें भी हम लिख सकते हैं कि समीशन एन वेरी इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन और एक्स की पावर एन लिख दें। तो हम इनको समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हम इनको ऐसे एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। तो अब हम बायनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, स्टूडेंट समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर सारा जो क्वेश्चन है वो अभी आने वाले हैं। एक्सपेंड एक फंक्शन है 1 अपॉन जेड माइनस 2 लाई इन द रीजन मोड जेड लेस देन 1। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एक्सपेंड करना है फंक्शन को। एफ जेड जो फंक्शन है वो जेड माइनस 2 है, इन द रीजन मोड जेड लेस देन 1। हम जिस रीजन की आपको बात कर रहे थे, क्लोज कर्व की बात कर रहे थे, सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो मोड जेड है उसका सेंटर मैंने देखा ओरिजिन पे है, 0 0 उसका सेंटर है, और जो उसकी रेडियस है वो लेस देन 1 है, मतलब 1 से कम रह गई है। तो 1 लेकर के रेडियस मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है। तो पहले मैंने अपना रीजन बना लिया, ओरिजिन सेंटर है और उसको सर्किल एक बना लिया है जेड इक्वल्स टू 1 रेडियस लेकर के। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं तो जेड माइनस 2 मेरे पास फंक्शन में है। अब इसको मुझे अगर बायनोमियल से एक्सपेंड करना है तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसका जो सिंगुलर पॉइंट है वो कौन है। तो मैंने देखा जेड माइनस 2 को अगर मैं 0 के बराबर रख दूं तो जेड इक्वल्स टू 2 इसका सिंगुलर पॉइंट आएगा। तो मैंने देखा कि जेड इक्वल्स टू 2 यहां लाई करता है और जो ये सर्किल है वो 1 रेडियस का है। तो अगर ओरिजिन को मैं ए मान लूं, इस जेड बराबर 2 को मैं डब्लू मान लूं, और ये मेरे पास जेड जो रीजन है वो यहां पे दिया है, क्योंकि डब्लू बाहर की साइड है तो डब्लू बड़ा हो गया है जेड से। डब्लू जब जेड से बड़ा हो जाता है तो तब हमने जो पीछे डिस्कस किया था अभी, जिसकी हम बात कर रहे थे, कि डब्लू जब बड़ा हो जाएगा, डब्लू मैंने 2 को माना है, जेड मेरा यहां पे 1 रेडियस का सर्किल एक लाई कर रहा था, सेंटर उसका ओरिजिन है, तो ये ए बराबर 0 है। तो हमारी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में कुछ ऐसे लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि जेड माइनस ए का मोड लेस देन डब्लू माइनस ए का मोड। बट हमने तो कह दिया है कि ए 0 है, ये भी ए 0 है, इसका मतलब मोड जेड लेस देन डब्लू का मोड हो गया है। ये हमारे पास जो डब्लू है वो 2 है, जेड अपनी जगह पे है, ए बराबर 0 है उस कंडीशन में जहां पर हम कर रहे हैं। तो डब्लू चूंकि जो 2 है वो बाहर की तरफ जा रहा है, 2 बाहर की तरफ जा रहा है, 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा यहां पे आ रहा है, मतलब डब्लू बड़ा है और जेड छोटा है। लेकिन कंडीशन ये है कि इसको हम हमेशा ही लेस देन 1 रखेंगे, मतलब जेड अपॉन डब्लू का मोड लेस देन 1 होगा। इसका मतलब ये जो मेरा W है, W मेरा 2 की जगह पे काम कर रहा है, 2 है, तो मेरी उस एक्सपेंशन में Z बाई 2 की फॉर्म आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस फैक्टर में से 2 को कॉमन निकाल दिया, माइनस 2 जब ये कॉमन आएगा अपने साइन के साथ तो ये 1 माइनस जेड अपॉन डब्लू लिखा, जेड अपॉन 2 लिखा जाएगा, डब्लू बराबर 2 रखा जा रहा है। तो इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं माइनस 1 में। अब बायनोमियल से हमने एक्सपेंशन किया और समीशन की फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट बस समझने वाली बात एक ही है कि हम जो ये रीजन लेकर के चलेंगे ये हमेशा ही लेस देन 1 होना चाहिए, यानी कि मोड जेड छोटा था,
डब्ल्यू जो टू बड़ा आ रहा था, हमने उस फैक्टर में से जो नीचे हमें फैक्टर दिया गया उसमें से हमने टू को कॉमन निकाल दिया, टू को कॉमन निकालने के बाद जेड बाई टू बन गया, जेड बाई टू लेस देन वन आ रहा है, यही इस टेलर थ्योरम की कंडीशन है और हम इसी कंडीशन पे काम करेंगे।